दुनिया भर में कम्युनिकेशन की मदद से एक कोने को दूसरे कोने से जोड़े रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोबाइल कनेक्टिविटी, मेडिकल फील्ड, लेजर और सेंसिंग के इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। भारत में ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली कंपनी प्रताप डिजिटल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अग्रणी ब्रांड कॉर्सिस टेक्नोलॉजीज ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए गुरुवार 12 जनवरी 2024 को पीथमपुर में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सूची में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तो 100 में से 80 शेखावटी की धरती से आते थे और मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे इस बात का भाव हो रहा है कि ये जो तकनीकी का युग है, इस तकनीकी के में जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जिस इंडस्ट्री है, शेखावटी के सपूतों ने अब उसमें भी प्रवेश किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जब शेखावटी का सपूत किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो निश्चित रूप से उत्कर्ष को प्राप्त करता है। ये केबल टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, जहाँ तक मुझे पता है कि एक भारतीय की देन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार भारतीय मूल के नरेंद्र सिंह कपानी ने अमेरिका में जो रहते थे उन्होंने किया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।